गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैंने आपको पाठ 7 के श्लोक 4 श्लोक आप लोगों के हो चुके हैं। आज मैं आपको 5वां श्लोक कराऊंगी। दीपो भक्ष्यते त्वान्तं कजलं च प्रसूयते यद् अन्नं भक्ष्यते नित्यं जायते तादृशी मति। दीपो दीपक, भजयन्ते खाता है, द्वांतम अंधेरे को, छा और कजलम काजल प्रसूयते उत्पन्न करता है। दीपक अंधेरे को खाता है और काजल उत्पन्न करता है। यद अन्नम भक्ष्यते नित्यम जायते तादृशी मृति, उसी प्रकार व्यक्ति जैसा अन्न, व्यक्ति यत जैसा अन्नम अन्न को भक्ष्यते खाता है वैसी ही उसकी मति बुद्धि जायते होती है, वैसी ही उसकी बुद्धि होती है। व्यक्ति उसी प्रकार यत उसी प्रकार व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी बुद्धि जायते होती है। व्यक्ति उसी प्रकार व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी बुद्धि होती है। दूसरा देखिए, तक्षस्य विषम दंते मचिकाय अस्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। तक्षक सांप के दंते दांतों में विषम विष होता है। मच्छिकाय अस्तु मस्तके, मच्छिकाय मक्खी के मस्तक में विष होता है। सांप के दांतों में विष होता है, मक्खी के मस्तक में विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। वृश्चिक बिच्छू की पूछे पूछ में विषम विष होता है। सर्वांगे दुर्जने विषम, दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर में दुर्जने, दुष्ट व्यक्ति के सर्वांगे पूरे शरीर में विषम विष होता है। दोबारा देख लीजिए, सांप के दांतों में विष होता है, मक्खी के मस्तक में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है। दुर्जन दुष्ट व्यक्ति के सभी अंगों में विष होता है। बेटा ये आपका हो गई 2, एक और करवा देती हूँ। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुरुनु जना, शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। नमंती झुकते हैं फलिनो फल वाले वृक्षा पेड़, नमंती गुरुनो जना और मनुष्य गुण वाले मनुष्य नमंती झुकते हैं। फल वाले पेड़ झुकते हैं, गुण वाले मनुष्य झुकते हैं। शुष्क वृक्षास सूखे वृक्षा पेड़ मूर्खाश्चन और मूर्ख व्यक्ति कदाचन कभी
ना नहीं नमंती झुकते हैं। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, फल वाले पेड़ झुकते हैं, गुण वाले व्यक्ति झुकते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। बेटा ये आपको रब काफी में करने हैं। आपका ये तीनों श्लोक, ये सारे जितने मैंने कराती हैं अब तक सारे श्लोक आपको रब काफी में लिखने हैं। SW में धन्यवाद।